स्टूडेंट्स, ये पार्ट सेकंड है। जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से ASRB नेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही क्वालिफिकेशंस डिटेल फिलअप करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और अप्लाई फॉर किसके लिए अप्लाई किया आपने, नेट के लिए किया है। और यहाँ पर देखो आपका डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, तो मैंने जैसे डाला है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। यहाँ पर जो आपका सेंटर है, जो भी आपको सेंटर आपके नियरेस्ट है वो आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, जैसे आप मैट्रिकुलेशन लेवल 10th, यहाँ पर आपकी जो भी डिवीजन आई है और जो आपका बोर्ड रहा है, परसेंटेज और यहाँ पर पासिंग ईयर, इस प्रकार से इनको फिलअप करते हुए आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आना है। ग्रेजुएशन लेवल पे आपका स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी है या बायोलॉजी है वो डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी कौन सी है, परसेंटेज क्या है और पासिंग ईयर क्या है। अब आप आ जाओ MSc, यहाँ पर देखो मास्टर डिग्री में डालो MSc, डिवीजन फर्स्ट आ जाएगा। हैव यू कम्प्लीटेड मास्टर डिग्री, अगर आपकी MSc कम्प्लीट हो चुकी है तो यस, और आप अपियरिंग में हैं MSc प्री या फाइनल में तो आप नो कर दो। नो करने के बाद में यहाँ पर देखो आप दैट मंथ और ईयर, यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपकी पासिंग होने की संभावित दैट है वो डाल दो यहाँ पर। इफ यू आर नॉट इन पोसेसिंग द मास्टर डिग्री नाउ, यू मे इंडिकेट प्रोबेबल दैट फॉर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम, उसकी दैट आप डाल सकते हो कि कब आपकी पासिंग ईयर होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी, यहाँ पर आप इसकी परसेंटेज डाल दो, ठीक है। और अगर आपने पास आउट कर लिया है तो यहाँ पर पास आउट की दैट है वो डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी डेट रहेगी वो आप इसमें फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आपकी जो प्लांट इस आपकी जो स्पेशलाइजेशन है डिग्री के अंदर वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो भी आपकी है वो डाल सकते हो। और थीसिस मास्टर डिग्री में क्या है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी वो यूनिवर्सिटी डाल सकते हो इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो लास्ट में दिया गया है आपका स्टेट कौन सा है, तो जो भी आपका स्टेट है, जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर राजस्थान, तो ये राजस्थान आपका स्टेट आ जाएगा। अब कंप्लीट जो आपकी PhD है या नहीं है वो सभी इसमें फिलअप करोगे। और यहाँ पर लास्ट के अंदर देखो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपका जो सेंसिटिव कोड है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो JNR1TH, यहाँ पर फिल करने के बाद में आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद देखो आपके सामने एक ऑप्शन आया है, योर पार्ट सेकेंड डिटेल हैव बीन स्टोर्ड सक्सेसफुली, गो टू पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट पे जाएं, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और थर्ड पार्ट पर पहुंचे। अब देखो आपके सामने फोटोग्राफ का है, सिग्नेचर का है, ये सभी डिटेल्स आई है। आप यहाँ पर देखो सबसे पहले चूज फोटो, यहाँ पर फोटोग्राफ चूज करनी है। आप जैसे यहाँ पर आप फोटोग्राफ चूज करोगे, तो यहाँ पर आप इसको फोटोग्राफ जो चूज है वो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसको फोटोग्राफ चूज की है, जैसे यहाँ पर इसमें दी गई है फोटोग्राफ शुड बी टेकन विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ स्पेस कवर्ड, और मैक्सिमम साइज 150 KB होनी चाहिए। वापस अपन फिल करते हैं। यहाँ पर फोटो फिलअप हो गई है। अब अपन चलते हैं सिग्नेचर के ऊपर, तो यहाँ पर आप सिग्नेचर को फिलअप कीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर में जैसे अपन चलते हैं तो आपका जो भी आपने सिग्नेचर सेव कर रखे हैं वहाँ से आप सिग्नेचर उठा सकते हैं और सिग्नेचर को फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये मैंने सिग्नेचर कर रखे हैं, तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर को उठाता हूँ और सिग्नेचर को है वो फिल करता हूँ, और यहाँ इसके बाद में इसको अपलोड कर दीजिए। अब देखो ये साइज नहीं ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 80 KB होनी चाहिए। तो यहाँ पर वापस अपन दूसरा सिग्नेचर उठाते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं, अभी भी साइन नहीं उठा रहा है, तो साइंस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर देखा स्कैंड कॉपी ऑफ साइन टेकन इन ब्लैक एंड ब्लू इंक ऑन द व्हाइट पेपर ओनली, स्कैंड सिग्नेचर शुड बी ओनली JPG इमेज, ठीक है, JPG के अंदर इसको
लेना है। जैसे यहाँ पर अपन देखें, मैंने जो फोटो बना रखी है वो जेपीजी में है, तो ये जेपीजी में है। और यहाँ पर किस में मांग रखी है, जेपीजी में मांग रखी है। यहाँ पर अपने फोटो जो है वो कैसी है, जेपीजी ईजी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, जैसे अपन देखें यहाँ पर, ये है यहाँ पर, जैसे ये है जेपीजी में, तो इसको आप कर सकते हो न्यू साइन। और यहाँ पर अपन डेस्कटॉप पे ले लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने फोरम के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ से अपन वापस इसको चूज करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं अपन। न्यू साइन ओपन करते हैं, यहाँ पर फिलअप हो गई है। तो जेपीजी के अंदर इसमें आपको जो साइन और फोटो है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर देखो आप, सिलेक्ट आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर आपके जैसे आधार कार्ड है, तो यहाँ पर आधार कार्ड की जो नंबर है वो फिलअप कर सकते हो। जैसे अपन देखें यहाँ पर, यहाँ पर जैसे अपन इसका आधार कार्ड नंबर है वो अपन डाल लेते हैं, यहाँ पर अपन इसका आधार कार्ड नंबर है वो डालते हैं। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर, और यहाँ से आप जो आईडी कार्ड है वो यहाँ से आपको उठानी है। जैसे अपन यहाँ जाए, पिक, और यहाँ से आप आईडी कार्ड जो भी आपने सेव कर रखा है यहाँ से आपको उठाना है। जैसे ये मैंने उठा दिया, और यहाँ पर इसको अपलोड करना है। अब देखो इसमें ये जेपीजी के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। तो जेपीजी के अंदर पहले इसमें अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन चलते हैं उसी के ऊपर वापस, और यहाँ पे जैसे ये है, ये ले लिया अपन ने। और यहाँ फिलअप करने के बाद में यहाँ चलते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं इसको सेव एज, और सेव एज के अंदर अपन इसको जेपीजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जेपीजी, ये जेपीजी हो गया। और यहाँ पर माई आधार, इसको आधार करके वन लगा के अपन इसको डेस्कटॉप पे ले चलते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, और अपन चलते हैं वापस अपनी
साइट के ऊपर। यहाँ पर वापस से अपने इसको चूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप से अपन लेते हैं आधार 1, ये ले लिया अपने, और यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं। इसमें JPG 500 KB मैक्सिमम आईडी प्रूफ स्कैन को पे अभी भी उठा नहीं रहा है। एक बार अपन इसकी साइज चेक कर लेते हैं, साइज क्या है। ये JPG फाइल है और यहाँ पे अपन वापस चलते हैं, क्योंकि फाइल तो सब कुछ ठीक है तो फिर उठा क्यों नहीं रहा है। एक बार वापस अपन चलते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ पर देखते हैं माई आधार फर्स्ट, यहाँ पे इसको अपलोड करते हैं। और यहाँ पे देखो इस प्रकार से अपलोड हो चुका है, तो आईडी प्रूफ भी अपना अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कंप्लीट फॉर्म फिलअप होने के बाद में आप यहाँ पर जाइए एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से फिलअप होकर आपके सामने आ चुका है। तो आप अपना जो नाम है, अपने एड्रेस है, फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी कैटेगरी है, आपका कास्ट नंबर है, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सभी आप इसमें देख सकते हो, और ये आपके क्वालिफिकेशन है। अगर आपके सभी जो भी इसमें करेक्शन है तो आप इसको एडिट पे जाइए, अदरवाइज इसमें पार्ट 4 पे जाइए, आई एग्री। कुछ इस प्रकार से आप जैसे आप आओगे तो यहाँ पर देखो पेमेंट फी थ्रू, यहाँ पर पेमेंट जो है वो किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर देखो अपलोड पेमेंट डिटेल्स इफ ऑलरेडी पेड सेलेक्ट भारत कॉस प्रोसेस, यहाँ पर अपन टिक करते हैं। यहाँ पर अपन देखें, हेलो फ्रेंड्स, जो भी ASRB नेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर ICR नेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना मैंने आपको बता दिया था। आफ्टर अगर आप उसको फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करते हो, कंप्लीट फिलअप करने के बाद में जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे फिलअप करते हैं, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कंडीशन है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ASRB नेट पर, तो दूसरी जो ऑफिशियल आगे क्लिक करोगे आप जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है तो कुछ इस प्रकार का आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो आएगी, और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है वो आप डाल लोगे, जैसे यहाँ पर अपन डालें आपने डाल दी, और यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल लोगे, और इस प्रकार से अपन जो भी है वो कंप्लीट आपकी प्रोसेस बताऊँ सिस्टम वाइज, आप बस देखते जाइए। जैसे आपने अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है कंप्लीट, तो देखो आप इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर भारत कोष के थ्रू इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है मतलब फीस स्ट्रक्चर है वो भारत कोष के थ्रू होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने भारत कोष, और साइट थोड़ी सी देखो इसमें नेट की स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट रखना ताकि आपकी जो साइट है वो काफ़ी स्लो चल रही है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको सबसे पहले नॉन रजिस्टर्ड यूजर जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखो ये जो पूरा पेज है खुलने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप इसको बार बार जो है वो रिफ्रेश या कुछ भी ना करें, थोड़ा सा वेट करें। जैसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया,
आपको करना क्या है, देखो इंडिविजुअल सबसे पहले इसी को छेड़ना नहीं है, आपको इंडिविजुअल ही रखना है। अब दूसरा आपको पर्पज, किस पर्पज से अपन फीस पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कर रहे हैं, एएसआरबी नेट को कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्च पे करना आपको क्लिक, पहले सर्च करो। सर्च करने के बाद में थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद में आपके सामने कुछ लिस्ट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि ऐसे आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे या फॉर्म फिलअप करने बैठोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी, आप कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं आपको छोटे से लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फॉर्म जो है वो किस लिए फिल कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखो इसमें एग्रीकल्चर का नहीं है, तो आप यहाँ पर इस पे डाल दो आप फी फॉर गवर्नमेंट। आप यहाँ पे करोगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर अपन देखें, सिलेक्ट करें, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर पे जाना है, आपने एग्रीकल्चर क्लिक किया है, क्लिक करके आप इसको सर्च कीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे आप ये ऑप्शन क्लिक करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, आपको डायरेक्ट 4 नंबर पेज पे जाना है अपने को। थोड़ा सा और वेट कीजिए, काफी लंबी प्रोसेस है लेकिन फिर भी हो जाएगी, ऐसा है, ठीक है ना। क्योंकि तो ऐसे आप डायरेक्ट करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं होगा, क्योंकि तो पेमेंट स्टेप पे आप जाके रुक जाओगे। इससे पहले जो फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप इजीली कर लोगे। आप देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है, सीधा से एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन फॉर सर्टिफिकेट फी फॉर ASR नेट STO FAO और AO, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करते देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ गया, सभी चीजें आ गई आपके सामने, टेस्टिंग फीस आ गई, और यहाँ पर ये आ गया 00001 PAO, और यहाँ पर आगे देखो एड्रेस में ASR भी आ गया, कृषि अनुसंधान भवन। पेमेंट कितनी है आपकी, जो भी पेमेंट है वो आप डाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर 250 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डालोगे। रिमार्क में आप लिख देना फी फॉर ASRB नेट 2023, ये आप लिख देना इसमें, ठीक है ना। फिर नीचे जो कोड दिया गया है ये आप डाल दो, XBG6A6, ये आप डाल दो, ठीक है। इसके बाद में आपको इसको ऐड करना है, आप जैसे ऐड करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसको नेक्स्ट करना है, आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार के आपके पास में इंटरफेस आएगा, जहां आपके नाम और आपके पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस आएगा। यहाँ पर जैसे मैं आपका नाम जो है मेरा वो डाल देता हूँ, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सभी आप डाल लोगे, और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो आप डाल लोगे, ठीक है। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर जो है वो अपना यहाँ पर फिलअप करना है, ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, और यहाँ पर देखो ऑनलाइन जो पेमेंट है यहाँ पर क्लिक रखना है आपको, छेड़ना नहीं है इसको। इसके बाद में आपको करना है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में थोड़ा सा वेट करो, कुछ इस प्रकार से आपकी जो डिटेल्स है वो आएगी, और इस अब आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, ठीक है ना। आपको जाना है कंफर्म के ऊपर, यहाँ पर आप कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में कुछ बैंक्स की डिटेल आएगी आपके। अब आपके सामने आपको फिलअप करना है, सबसे पहले देखे मैंने जैसे HDFC बैंक किया है, और उसके बाद में आप UPI को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर उससे पहले भी आपका जो भी बैंक है, ज़रूरी नहीं है आपका HDFC, जो भी बैंक है, जैसे मेरा बैंक PNB है, तो यहाँ पर मैंने PNB को सिलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद में अपन देखें तो मैंने UPI को सिलेक्ट किया है। UPI को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसमें जो कोड दिया है ये आप फिल करो, इसमें कैप्चा जो दिया गया है AYC29X, यहाँ पर इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखो इसको टिक कर लो, टिक करने के बाद में आप पे करो इसको,
जैसे अपन पे करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, और इसमें अपनी अमाउंट जो है वो दिखा रहा है, और इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद में आपको जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है, जैसे मान लो आपकी जो भी अपन यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई का जो लिंक है या यूपीआई आईडी है उसको क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे यूपीआई आईडी जो भी है आपकी, उसको आप क्लिक करें। मैं अपनी यूपीआई आईडी जो है वो थोड़ा सा देख रहा हूँ, अभी टाइप कर रहा हूँ, तो साथ साथ ही चलता रहेगा। जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर इसी प्रकार से क्लिक करना है। कंप्लीट क्लिक करने के बाद में आपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो आपकी यूपीआई आईडी कंप्लीट डल जाएगी। अब आपको जो कंडीशन है उसके बाद में इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे मान लो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, तो वेरीफाई पे जैसे क्लिक किया करते ही आ गया सुरेंद्र कुमार डिग्रवाल, और आगे अपन पे कर रहे हैं। जैसे पे पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन आएगी यहाँ पर, और मेरे मोबाइल के अंदर जो है वो इसकी पेमेंट आ गई है 250 रुपये पे। तो मैं पे क्लिक कर रहा हूँ यूपीआई आईडी पे, उस पर गूगल पे पे या आपका फ़ोनपे पे, इस पर किया करते ही यहाँ पर क्लिक हो गया, और अपने जो आईडी पासवर्ड उसके थ्रू मैंने इसको अलाउ कर दिया है, और पेमेंट यहाँ से कट कर दिया है। कट करते ही यहाँ पर प्रोसेस में आ गया ऑटोमेटिक। तो जैसे यहाँ पर प्रोसेस में आया है, तो इसके बाद में आपकी जो पेमेंट आईडी है वो जनरेट हो चुकी है, कि पेमेंट ट्रांजेक्शन हो चुका है। स्टेटस देखो सक्सेसफुल आ रहा है, और बैंक रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट है, ये यहाँ से अपन डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ से अपन इसको डाउनलोड करते हैं। ये अपन ने डाउनलोड कर ली है, इसको आप देख सकते हो। जैसे अब ऊपर की तरफ दी है ट्रांजैक्शन आईडी, और नीचे की तरफ दिया गया नाम सुरेंद्र कुमार डिग्रवाल, और रेफरेंस नंबर, और इस प्रकार से नीचे की तरफ प्रिंटेड डेट है वो 2/4/2023 से जो नीचे की तरफ दी गई है। दिस इज सिस्टम जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट, ठीक है, नाम ऊपर दिया गया है, और ये जो पेमेंट फीस है वो कितनी है, 250 रुपये है, तो वो दी गई है। अब अपन जो वापस से री लॉगिन करते हैं इसको फॉर्म को, यहाँ पे जाते हैं अपन मेन साइट जो है, री लॉगिन करते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। पहले आप इसको डाउनलोड कर लो। अब वापस इसको री लॉगिन कर लो। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके थ्रू आप वापस से री लॉगिन कर लें, और करने के बाद में आप वापस से इसकी जो मेन साइट है वहाँ पर ओपन होंगी। यहाँ पर लॉगिन करें, लॉगिन करते ही देखो वहाँ पर आ गया। अब अपना एक ऑप्शन कंप्लीट है। अब अपन करते हैं अपलोड पेमेंट डिटेल। अगर आपने पेमेंट कर चुके हैं तो इस पे जाना है, क्लिक करना है अपलोड पेमेंट डिटेल पर। इफ़ ऑलरेडी पेड, अगर आपने पेड कर दिया है तब देखो इसमें ऑप्शन जो आता है वो आपका नाम सब पूछा जाएगा, इसमें कितने रुपये पे किए हैं। जैसे 250 रुपये पे किए हैं तो यहाँ 250 रुपये। ऊपर अपन देखिए ट्रांजेक्शन आईडी जो है, कितने ट्रांजेक्शन आईडी, मतलब क्या थी ट्रांजेक्शन आईडी आपने पेमेंट की तब, वो ट्रांजेक्शन आईडी जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो 2024230024488, ये अपने को यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है उसके अंदर। यहाँ पे अपने उसको फिलअप करना है। आप धीरे धीरे कीजिए इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, कहीं मिस्टेक हो गई, तो आपकी पेमेंट जो है वो अटक जाएगी और एरर दिखाएगा ही। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे कंप्लीट वीडियो को देखिए पहले तो आप, उसी के बाद में ही आप जो भी डिसीजन लेना है आप उसके बाद में डिसीजन लिए, कैसे कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या करना है। तो जो पेमेंट डेट है वो कौन सी आ जाएगी मेरी, 2 अप्रैल आ जाएगी, 2 अप्रैल।
ये थोड़ा सा जो है वो अटक रहा है, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा धैर्य रखें। तो दो, और यहाँ पर देखो दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रैल और मार्च, तो यहाँ पर अप्रैल और यहाँ पर 2023। अब देखो जो आपने डाउनलोड किया है उसकी जो पेमेंट स्लिप है, जैसे ये आ गई रिसिप्ट है, इस रिसिप्ट को पीडीएफ फॉर्म में इसको अपलोड करना है। यहाँ पर इसको पहले प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें अपन, कंट्रोल प्लस पी के ऊपर क्लिक करके इसको सेव एज पीडीएफ पे सेव कर लें। और यहाँ पर सेव करने के बाद में अपन उसी ऑप्शन पे चलते हैं वापस, फॉर्म के ऑप्शन पर, और यहाँ पर नीचे देखो ऑप्शन दिया गया है चूज ए फाइल, यहाँ पर अपन इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक किया और अब सबमिट करते हैं इसको। सबमिट करते ही जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है और पेमेंट भी हो चुकी है, और पेमेंट सबमिट होते ही देखो आपका फॉर्म जो है रिव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आ जाएगा, उसके ऊपर आप अपनी पूरी डिटेल आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगी। अब जैसे डाउनलोड हो गया और यहाँ से देखो आपका फॉर्म है वो भी ओपन हो गया है, और फॉर्म ओपन होने के बाद में आप इसको सेव कर सकते हो एज ए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। यहाँ पर ASRB प्रिंट फॉर्म 2023 के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है, और इसमें देखो पूरी डिटेल आपकी आ गई है फॉर्म के अंदर। इस प्रकार से फॉर्म जो है वो होगा, ये पूरी डिटेल इसके अंदर है। तो जो भी स्टूडेंट्स है, इसमें पेमेंट करते टाइम पे काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, आप सभी वीडियो देखकर ही पेमेंट करें, ऐसे कोई भी पेमेंट ना करें, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। थैंक यू फ्रेंड्स।